व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वाज और सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। एक्चुअली मुद्दा क्या हो गया, मैं जैसे ही कुछ अभी हम कमेंट्स पूरे पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत मैंने ऐसे कमेंट्स भी देखा था कि जरा हटके जरा बचके से भाई अपने तेरे वास्ते गाना मिस कर दिया। और मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार ये कौन सा गाना है। फिर मैं देख रहा हूँ, जहां पे भी मैं रील देख रहा हूँ, तेरे वास्ते। और दूसरी चीज तेरे वास, मतलब ये क्या है भाई, इसको फुल सुनना ही पड़ेगा। अपने से मिस इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि हम लोग दूसरे इसमें भी थे, तो इसलिए हम लोग, और इंस्टाग्राम बहुत कम, रील्स का बहुत ज्यादा कम यूज था, इसलिए रात में आप देखते हो, रात में हम चेक कर लेते ना अपन, तो तेरे वास तीन चार, तेरे वास तेरे, मतलब क्या है। फिर मेरे को लगा अच्छा ये गाना है क्या तेरे पास, ऐसा शॉर्ट बज गया, बोला चल ठीक है। तो अभी आज पूरा गाना सुनते हैं अच्छे से, लेट हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर प्लीज आप ऐसे ही देखो, आपके कमेंट की वजह से हमको पता चलता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करके बताओ और क्या क्या चाहिए। तो ठीक है, तेरे वास्ते बाय फ्रॉम जरा हट के जरा बचके, विकी कौशल, सारा लिखा वरुण जे, सचिन जिगर, अमिताभ भट्टाचार्य। ओके, तो आते हैं गाने पे। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तो अपने को पता चलेगा कि यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना। चल लगा दे सर तेरे वास्ते, चलो थोड़ा लेट हो गया है, हाँ, बट पर लेटेस्ट करेंगे, चलो कोई करेंगे, क्या बोलता है, लगा, चलो आते हैं गाने पे और देखते हैं अभी, ठीक है, चलो गाइज रेडी। यस, सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस। नाइस, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16 चंद्रा सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, नाइस कोरस, 16 चंद्रा सितारे, नाइस म्यूजिक, बांध लाऊंगा, चांद तारों से कहो मैं भी ठहरे जरा, चांद तारों से पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 चंद्रा सितारे संग बांध लाऊंगा। क्या बात है, अरे नाइस यार, वाव यार, इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 चंद्रा सितारे संग बांध लाऊंगा। यार भाई, इसलिए रोका, मैंने आपको फील तोड़ना नहीं था, बट हाँ हम लेट हुए, बट एक बात है, क्या म्यूजिक है यार, हाँ क्या कंपोजिशन है यार, आपने देखा अरेंजमेंट कितना, हाँ आज जैसे हम बोलते हैं ना आज के डेट में यार, जो जैसे गाने चाहिए वैसे आ नहीं रहे, देखो हाँ आ रहे, अभी आ रहे, अभी अच्छे गाने आ रहे, बहुत अच्छे गाने आ रहे, क्योंकि जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स है उनको मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये सचिन जी कर मजबूत काम, हाँ भाई इतना अच्छा गाना छोड़ के आप ऐसा ऐसा करते बैठ रहे हो क्या यार, इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा म्यूजिक, इतना अच्छे लिरिक्स, म्यूजिक में कितना तगड़ा काम, समझ लो एकदम फील आ रहा है, देखो समझ रहे हो क्या, कितना कितने अच्छे अच्छे मुद्दे उठा लेता हूँ, बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है। बट अगर एक चीज मैं दाद दूंगा ना, सिर्फ म्यूजिक को ही नहीं दूंगा और सिर्फ लिरिक्स को ही नहीं दूंगा, मैं सिंगर को भी दाद दूंगा, क्योंकि यार सिंगर वो भाई ने जो कंपोजिशन को प्रॉपर उठाया है ना, वरुण जैन, वरुण जैन, सचिन जिगर, शहादत फरीदी, अल्तमश फरीदी,
ये तीनों ने, बट जो लीड सिंगर है ना, मतलब वरुण जैन ही होंगे, उन्होंने जो कंपोजिशन, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गाना बनाना ठीक है, गाना तो बना बन गया, बट सिंगर ने भी उसको उसी तर्ज में निभाना क्योंकि जरूरी है। सचिन जिगर ने जब ये गाना कंपोज किया होगा, जब ये सोचा होगा कि यार ऐसा ऐसा ये करूंगा वैसा वैसा, तो उनके दिमाग में आया होगा कि यार ये गाना ना मैं इससे गवाऊंगा, तो बिल्कुल वो बहुत जरूरी है कि परफेक्ट, मतलब ये गाने में कौन सा, बहुत सारे सिंगर पर ये गाने में यही आवाज आएगा, बिल्कुल। और ऊपर से सचिन जिगर का कमाल, अगर वोकल्स की बात चल रही है तो उसपे मैं दाद देना चाहूंगा, बैकिंग वोकल जो राणा मुजुमदार और ऋषिकेश कामिकर जो है, उन्होंने भी उनका भी बहुत बड़ा हाथ, बिल्कुल बिल्कुल कोरस में। और गाइस गिटार से रंग, हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, एकदम बहुत अच्छा रहा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बहुत प्यारा है, और वोकल्स काफी अच्छी है उसके, लिरिक्स तो ऑब्वियस लिरिक्स तो अच्छे ही हो गए, ठीक है ना। सचिन जिगर यार क्या बात, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। इसमें प्रोग्रामिंग अपने ऋषिकेश ने किया है, बहुत बहुत प्यारा प्रोग्राम। ये भाई लोग थोड़ा सा पीछे ही कर दे, और ये भाई लोग मैंने आपको बोला है बहुत बार कि ये बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं और मेरे को पसंद भी है, क्योंकि ये हर तरीका का म्यूजिक अच्छा बनाते हैं, बिल्कुल। तो इनको कोई भी ये दे दो, ये सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे आगे सुनते हैं और आगे बात करते हैं। बहुत प्यारा गाना। अपने पास सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल है, वो प्यारे वोकल है तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है, अंबर तक जाना ही फिजूल है, इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, क्या बात है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, क्या बात है। अरे चलो मैं एक चीज बोलता हूँ, इससे मैं खुश भी हूँ कि मैं बीच में बहुत नाराज था अपने बॉलीवुड गानों के बारे में, क्योंकि मैं खुश नहीं था क्योंकि अच्छे गाने नहीं आ रहे थे, ये मूवी बट अभी इनको स्पेस दिया जा रहा है, बिल्कुल, और ये लोग अच्छा बना रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्रेशन दिया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत कवाली आ गई, क्या नहीं आया, और वो बेस जो बज रहा था वो इतना साइलेंटली मस्त बज रहा था, वोकल्स तो इतने प्यारे हैं, मैं बता रहा हूँ वोकल्स, मतलब सब सबके कोरस पार्ट बोलो या कवाली पार्ट बोलो, बट जो लीड अपने ये थे बहुत बहुत अच्छा, और इसके पहले का भी तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, जैसा ये वाला गाना था, और इसके पहले भी हमने इसके गाने रिव्यू किए, वो गाना ये गाना ये इतना गाना अच्छा। प्यारा मतलब लग रहा है ना, बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा। तू है तो मुझे ये गाने के बीच में हम लोगों ने वो एक टेक्निकल बात की थी कि वो जो ड्रम था वो इतना बेसिक था पर इतना प्यारा यूज किया था उन्होंने, टक डक डक डिंग, वो एकदम बिगिनर ड्रम किट होती है, बिगिनर बहुत सस्ती आती है उसके जैसा, टक डक डक, हां किट किट की बात, ये इतना बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ओरिजिनल म्यूजिक आजकल आप समझ रहे हो ना, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक दूसरे को सब इसको उसको वो क्या फिर वो क्या गाली गलोच सब, ये ओरिजिनल म्यूजिक सुन के ना अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा फील आता है। वाव यार अपना क्या बात है सचिन जिगर साहब, मजा आ गया, वेरी नाइस ट्रैक।
और अगर कुछ हमसे छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना भाई। इसलिए आपको बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताओ, तो देखो आप कमेंट करते हो तो हमको पता चलता है। बिल्कुल, तो प्लीज हमको ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बताते रहो और ऐसे ही प्यार करो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। Na 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 na